नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मिनट्स। इंजीनियरिंग मिनट्स में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बेसिक नीड्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की डिज़ाइन करते वक्त किन पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पावर ट्रांसमिशन टू वर्ड्स का बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला है पावर, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं, और ट्रांसमिशन किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। सो बेसिकली पावर ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और इसी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो सिस्टम बनी होती है उसे हम पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के तीन टाइप्स है, जिसमें से सबसे पहले इलेक्ट्रिक मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर और मैकेनिकल लिंकेजेस जैसे कि गियर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट किया जाता है। दूसरा है हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड के प्रेशर के जरिए या कहे तो फ्यूल लिंकेजेस के जरिए पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर जैसे कंपोनेंट्स यूज होते हैं। इसके बाद है न्यूमेटिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। न्यूमेटिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में न्यूमेटिक यानी कि एयर के लिंकेजेस के जरिए पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, जिसमें न्यूमेटिक कंपोनेंट जैसे कि न्यूमेटिक मोटर का यूज होता है। इसके बाद पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कार, जहां पर आईसी इंजन में पावर प्रोड्यूस करता है और वही पावर को हम व्हील को रोटेट करने के लिए यूज़ होते हैं, उसी के जरिए कार मूव होती है। तो आईसी इंजन से व्हील तक पावर पहुंचाने के लिए जो सिस्टम यूज़ होती है, वहां पर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लें लेथ। तो लेथ में इलेक्ट्रिक मोटर से स्पिंडल तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में किन चीज़ों का कंट्रोल ज़रूरी होता है, तो उसमें अगर हम एक एग्जांपल लें मशीनिंग का, तो मशीनिंग में मशीनिंग करते समय कटिंग टूल पर कटिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, और कटिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है तो उसे रजिस्ट करने की ताकत भी कटिंग टूल में होनी चाहिए, यानी कि कटिंग टूल को अपोजिट रिएक्शन देना पड़ेगा, और यहाँ पर फोर्स या टॉर्क की रिक्वायरमेंट जनरेट होगी। तो फोर्स या टॉर्क कंट्रोल सिस्टम पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो कटिंग टूल को मूव करना पड़ेगा ताकि वो मशीनिंग कर सके, और उसे रोटेट भी करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर लीनियर और रोटेशनल मोशन की कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि लीनियर और रोटेशनल मोशन कंट्रोल करने के कंपोनेंट भी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पीड कंट्रोल, यानी कि अगर कटिंग टूल एक कॉन्स्टेंट मोशन से मूव नहीं करेगा तो सरफेस फिनिश भी बढ़िया नहीं आएगी, यानी कि उसके स्पीड को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है ताकि हम बेटर सरफेस फिनिश पा सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो डायरेक्शन कंट्रोल, क्योंकि कटिंग टूल एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता, उसे वापस भी आना पड़ेगा, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मोशन करनी पड़ेगी। वो अगर फॉरवर्ड जा रहा है उसे बैकवर्ड भी आना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें डायरेक्शन कंट्रोल ज़रूरी बनता है। तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में बेसिकली चार कंट्रोल की ज़रूरत होती है, फोर्स या टॉर्क कंट्रोल, लीनियर मोशन या रोटरी मोशन कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल और डायरेक्शन कंट्रोल। इसी के जरिए पूरा बनता है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और जीमेल के जरिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।